हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोचे होंगे कि ये वाला जो ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही पुराना है और मुझे पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ये हमारे दुर्गा जी विसर्जन का है, जो कि मुझे उसी टाइम पे करना था। बट आपको जैसा कि बताया कि गांव में नेटवर्क नहीं मिल रहा था और यहाँ आई हूँ, भोपाल में आ चुकी हूँ आप लोगों को बता दूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अब मैं आपको बताऊँगी, ऐसे तो नहीं समझोगे, आगे आप लोगों को वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज के ब्लॉग जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और मैं मेरे मन में ये लग रहा था कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं गांव की सारी वीडियो शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। टाइम निकल गया तो क्या हुआ, लेकिन ये घड़ी जो थी ये आप लोगों से शेयर करना बिल्कुल बनता है, तो मैंने शेयर किया है। और इस तरीके से रीति रिवाज से जो है हमारे यहाँ दुर्गा विसर्जन किया जाता है, तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है देवी माता को मंदिर से निकाल लिया गया है और आप देख सकते हो कि पूजा वगैरह जो भी वहाँ पे पंडित जी करते हैं वही हो रही है। और मेरे पापा खड़े हुए हैं वहाँ, क्योंकि मंदिर से जो है थोड़ा दूर तक ठेले से लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है ट्रॉली रखी हुई है वो ही ट्रॉली खड़ी हुई है आगे, तो वहाँ तक जो है हम इसी ठेले में लेके जाएंगे। और ये पंडा है जो पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको माता आती हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं डांस, साथ में मेरी दीदी है यहाँ पे, और दीदी को देखो, मेरी बड़ी बहन जिसे आपने शायद भोपाल में नहीं देखा होगा, मैं गांव गई हूँ तभी मैं उनसे मिल पाई हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं मिली हूँ। और आप लोग सोचोगे कि भोपाल क्यों नहीं आती हैं, तो अभी अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। समथिंग 3 साल होने वाले हैं दीदी को, वो भोपाल नहीं आई हैं, लेकिन इस बार जो है ज़रूर आएंगी, राखी पे या होली पे, देखते हैं भाई अगर जाएगा तो लेकर आएगा दीदी को। तो ये है मेरी मेरी बड़ी सिस्टर जिनसे अभी मैंने मिलवाया था, और यहाँ पे वाइट शर्ट में जो दिख रहा है वो मेरा भाई था। ये मम्मी हैं और भी लोग हैं। तो अब हम लोग जो है स्कूल के पास आ गए, ये गांव का सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो जो भी काम होता है जैसे भीड़ भाड़ वाला जैसे है तो काम, तो वो यही होता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी ट्रॉली लगी हुई है जिसको भाई लोगों ने सजाया है, और ये देखो हमारी माता जी भी आ चुकी हैं, ट्रॉली में बैठा दिया है उनको। और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है, गांव में बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब मेला लगा हो, मार्केट लगा हो, या कुछ बहुत बड़ा त्यौहार हो, और त्यौहार ही होता है नवरात्रि में, जितनी भीड़ भाड़ जितनी खुशियाँ लोग बाग मनाते हैं ना, वो उसके बाद ही अलग होता है, पता है। तो यहाँ पे जब मैं भी पहला साल था, मैं पहली बार मैं गई हूँ गांव, मैंने बहुत इन्जॉय किया है, और मैं मन से चाहती हूँ कि मैं हर साल जो है नवरात्रि में जाऊँ, बाकी मैं देवी माता की कृपा अगर हुई तो जरूर जाऊँगी। तो यहाँ से देखिए अब आती है दूसरी टोली, ये यहाँ पे जो है गांव में दो जगह जो है दुर्गा जी बिठाई गई है, तो दोनों जगह से जो है मूर्तियाँ आई हैं, और ज़्यादा कहीं नहीं है, सिर्फ दो जगह बैठी हुई है, तो दो जगह की मूर्तियाँ जो है साथ में जाएंगी, एक हमारे हाथ की और दूसरे हाथ की, तो दोनों मूर्तियाँ साथ में जाएंगी। और ये पंडा है जो हमारे आगे चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो इन्जॉय करिए। सभी लोग जो है गाँव की लेडीज़ हैं, सभी लोगों ने सर पर जो है आप इसको जवारे बोल सकते हैं, तो जवारे बोलते हैं, जवारे रखे हुए हैं, और सभी लोग जो है नाश्ते में जा रहे हैं, पूरा गांव साथ में है, बहुत मज़ा आया है। अब ये लोग जो है पूरा गांव जो है इसी तरीके से चक्कर लगाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, शाम को 5 बजे से सब लोग और रात को 1 बजे तक ये लोगों ने पूरा गांव घुमाया था। इतना दिन की बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नरियल नहीं चढ़ाएंगे, पास ही प्रसाद करेंगे,
और लेकिन हाँ ब्लॉग मेरे पास है थोड़ा थोड़ा, जो मैं आपको कोशिश शेयर कर रही हूँ। और बारह बज गए थे लोगों को गाँव का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद जो है नदी यहाँ पे पास में नदी है जो बांध है एक, वहाँ से कुछ गेट वगैरह खुले हैं कहते हैं, तो अच्छा बहता पानी है, वहीं पे जो है दुर्गा जी विसर्जन करते हैं हर साल, तो वहीं करेंगे। तो भीड़ देख के आप देखो अंदाज़ लगा सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये हमारी माता जी का चेहरा जो है पूरा उतर गया, जब वो आती हैं खुशी खुशी आती हैं, जब जाती हैं तो उनका चेहरा पूरा उतर जाता है। सच में हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि उनको भेजें, ऐसा लग रहा था 9 दिन ये 9 साल बन जाए, 9,000 साल बन जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, मायका है, माँ मायके आई थी अपने, जैसे हम औरतें शादी के बाद अपने मायके जाती हैं कुछ दिन के लिए, वैसे उसी तरीके से देवी मैया वही अपने मायके आई थी और अब वो जा रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है। तो कुछ कुछ वीडियो जो है मैंने डबल डबल लगाया है वो इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कर लीजिए, मिलती हूँ मैं बाद में। तो गाइज़ अब जो है धीरे धीरे शाम होने लगी है और भीड़ जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग और दूर दूर से गांव से जो है इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये मंजर जो है देखने को बहुत कम मिलता है, हर साल में एक बार ये मंजर देखने को मिलता है। तो माता जी जो है जा रही हैं और ये देखो हम लोग भी खड़े हुए हैं, वीडियो शायद से भाई बना रहा था। और अब जो है यहाँ पे रावण दहन हो रहा है, आप लोग सोचे होंगे ना क्या चल रहा है। तो ये रावण जी है और इनको जो है पास से मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि किट्टू को गोद में ली हुई थी, तो इस वजह से और अंधेरा भी हो चुका था और मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी। और यहाँ देख सकते हो आपकी लाइट नहीं लगी हुई है, तो इस वजह से क्लियरली जो है पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई उसके लिए सॉरी। और ये रावण जो है गांव के ही लोगों ने बनाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है सजावट की गई थी उसकी और बहुत ही सिंपल तरीके से दहन किया गया है, कोई भी ज़्यादा फटाके वगैरह कुछ भी नहीं था और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, क्योंकि पहली बार ये सब कुछ देख रही हूँ सच में। यहाँ पे पहले रावण दहन हुआ है, इसके बाद फिर माता जी को जो है लेके गए हैं, पूरा गांव घुमाएंगे, उसके बाद फिर विसर्जन होगा। तो ये देखिए अभी भी ट्रॉली जो है दूर खड़ी हुई है और अब जो है ट्रॉली आ चुकी है हमारे घर के पास। ये देखिए मंदिर, यही मंदिर के पास जो है आ चुकी है और यहाँ से वो ट्रॉली जो है गाँव में के अंदर जाएंगी और भी जो गाँव के पास पास जैसे भी इलाका है सब जगह जाएंगी। तो ये देखिए
तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हमारी माता जी कितनी अच्छी लग रही हैं, जगमग जगमग ऊपर जो है लाइट जल रहे हैं और नीचे हमारी माता जी हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है सच में। और ये भाई है मेरा वाइट शर्ट में, और पूरे माहौल जो है देखो कितना जगमगा रहा है, क्योंकि पूरे मोहल्ले को सजाया है यहाँ गांव में लोगों ने। और अब माता जी हमारी जा रही हैं, और मैं यहीं तक गई थी बस, क्योंकि आगे तक किट्टू को लेके मैं नहीं जा सकती थी, रात का टाइम हो गया था। और ये लोग पूरे गांव में घूमेंगे तो उनको बहुत टाइम है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 12-1 बज गए थे इन लोगों को, तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। और अब जो है यहाँ से बस थोड़ा सा और वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली आगे का, बाकी विसर्जन का वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं गई थी, और वहाँ जो था बहुत अंधेरा भी था, लोग बता रहे थे। थोड़ा बहुत हल्का हल्का लोगों के पास जो टॉर्च वगैरह था उससे थोड़ी बहुत रोशनी थी, बाकी रोशनी नहीं थी। तो ये जो है गाँव के थोड़ा और आगे ये लोग आए थे, वहाँ का ब्लॉग जो है ब्लॉग बोली सॉरी वीडियो किसी से मैंने लिया था ये वीडियो, तो यहाँ तक का है बस, इसके अलावा नहीं है। तो बाकी मैंने आपको रीति रिवाज अपने यहाँ का सब कुछ बताया है, और किस तरीके से भीड़ भाड़ होती है, कैसे लोग इकट्ठे होके कितना इंजॉय करते हैं, सब मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो गाँव का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा वीडियो में। ओके, मिलते हैं, बाय।